बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़र आप मैं आपका शेफ़ कलीम अहमद स्मूथ रेसिपी की नई एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। ख़वातीन व हज़रात, आज हम फरमाइश पे आपको बटर चिकन बनाना सिखाएंगे। स्पाइसी होता है लेकिन बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारे अक्सर घर फरमा ये कहते हैं कि स्पाइसी होना चाहिए। ये मैं आपको ये जो चीज़ें बनाना सिखाता हूँ स्पाइसी से होती हैं, लेकिन आपको इतनी नुकसान नहीं देंगी, आपके मैदे को तंग नहीं करेंगी। जी चलिए ख़वातीन हज़रात, हम अब शुरू करते हैं। ये मैंने चिकन पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ, आधा किलो मेरा ये चिकन बॉस है। इसमें मैंने आपसे पहले जो आपको एक दफ़ा दी था चिकन टिक्का स्पेशल, तो उसमें आप रेसिपी देख सकते हैं कैसे इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन, लहसुन, अदरक कूट के मैंने ग्राइंड करके दही के साथ और आल के साथ इसको मैंने डिप कर दिया हुआ है। ये तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, ये अंदर तक मसाला रह चुका है। आई बटन आ चुका है, आई कार्ड आ चुका है, आप उसको चेक कर सकते हैं मेरी रेसिपी। इसमें जो चीज़ें पड़ेंगे सिंपल है, मैंने 1.5 प्याज लिया है, उसको इधर अयोन बोलते हैं। मैंने 50 ग्राम अदरक लिया और 50 ग्राम ही लहसुन है, और मैंने फ्रेश हल्दी ख़वातीन हज़रात इस्तेमाल की है, ये आपके लिए बहुत अच्छी है। मेरे दूसरी भी हल्दी है लेकिन फ्रेश इसमें मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये साथ 2 अदर टमाटर हैं, बटर है, बटर मेरा 100 ग्राम के करीब है, ज़्यादा पड़ेगा वो भी डाल दूँगा, लेकिन ये याद रखिए कि बटर के साथ ऑयल का कम्बिनेशन चलता है, प्योर बटर नहीं होता। दूसरा ये मसाला जाते हैं जो इसमें डालेंगे, हस्बे रवायत नमक, ये मिर्च है मेरी, इसके नीचे वो दूसरी दगड़ पगड़ की भी तकरीबन 1 चम्मच से कम नमक है, हस्बे जायका रखना है, और मिर्च है ये 1 चम्मच। ये गर्म मसाला मैंने जो ग्राइंड किया हुआ है घर में वो वाला, काली मिर्च, लौंग, और ये थोड़ी सी हल्दी, और ये मेरा थोड़ा सा 2 चुटके करीब ज़ीरा, ये इसमें इस्तेमाल होगा। तो चलें नाज़रीन पकवाई का अमल शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, मैंने ये चूल्हा चला दिया, थोड़ा इसमें मैं ऑयल डालूँगा ताकि प्याज, लहसुन, अदरक थोड़ा ब्राउन हो जाए। इसी तरह पर मैंने चावल साथ सर्व करने में बॉयल करने के लिए मैंने रख दिए। मैंने आपको बताया था कि बटर, अगर बटर डालूंगा वो काला हो जाएगा। इसकी टेक्निक ये है कि पहले ऑयल में इसको करते हैं, आपको ये टिप नहीं बताएगा कोई भी। जी नाज़रीन, ये मैंने देखे प्याज है 1.5 अदर, वो डाल दिए, और साथ ये जी नाज़रीन ये मैंने डाल दिए। हल्का इस पर मैं आप ढक्कन दे दूंगा, ये लहसुन, अदरक, हल्दी सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया, फ्रेश हल्दी का इस्तेमाल किया। मैंने टमाटर के अलावा सब कुछ उसमें डाल दिया। अब बटर चिकन में ये होता है कि या तो आप टिक्का तैयार करें, अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो आप ये ओवन में सारा कर लें। ये सारा वो मैंने मैरिनेट किया हुआ है जो चिकन टिक्का मसाला होता है उसका। अब मैं इसको आराम से ये देखें ट्रे में लगाऊँगा, ओवन की ट्रे में। मैंने ओवन प्री हीट बल्कि फुल चलाया हुआ है। आपने पेपर लगाना है, पेपर नहीं है कोई मसला नहीं है, वैसे हल्का सा ऑयल लगाएं। जी नाज़रीन, ये अभी हमने कर लिया, अभी हम इसको सीधा ओवन में ये 255 टेम्परेचर है, 250 उसमें ये रख देंगे। सारा ये हो चुका है लाइट ब्राउन सा, थोड़ा सा इसको और भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी डाल के मिक्स कर लेंगे इसको, बल्कि ये जो हमने मैरिनेट किया हुआ था मसाला वो इसमें डलेगा, और फिर उसके बाद ये मैं, क्योंकि इसमें दही भी है, ऑयल भी है, सारा कुछ है, इसका थोड़ा सा हमने ब्राउन करना है, फिर उसके बाद टमाटर डलेगा, दूसरी चीज़ें, और इसको मिक्स कर लेंगे। ये नाज़रीन ये कलर हुआ, अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे, खास के हमारे पास ये बची हुई जो उसकी सॉस थी वो डाल देंगे, थोड़ा सा सिरका भी है, लेमन भी खट्टी मीठी होगी, बटर के साथ थोड़ी सी हम इसमें शुगर भी आधा चम्मच ऐड करेंगे। ये हमारा मसाला गल चुका है सारा, हमने थोड़ा सा लाइट ब्राउन किया था, अब हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद बटर डाल के भूनेंगे, और इसमें थोड़ी सी रूम और आधा चम्मच चीनी ऐड करेंगे।
टोस्ट तैयार हो गया। अब इसमें मैंने 100 ग्राम करीब बटर डाला है जो ज़बरदस्त है। ये मैंने ग्राइंड कर ली है सॉस, उसके बाद ऐड ये। नीचे ओवन में हमारा किप तैयार हो चुका है, वो सॉरी चिकन किप इस लिहाज से इधर से बोलते हैं। जी खातिन हज़रात, हमारा चिकन तैयार हो चुका है, रेडी है। ये बारबेक्यू चिकन है, इसको ज़्यादा नहीं करना, बाद में ये हार्ड हो जाता है। जी नाज़रीन, हमारा ये रेडी, सिर्फ अब इसको हमने हल्की आंच पर भून लिया। हमारा ये तैयार हो चुका है, ज़बरदस्त किस्म का। मैंने थोड़ी सी सॉस ज़्यादा रखी है। ये देखिए, अब हम सर्व करने के लिए, अब किसी भी तरीके से कैसे भी सर्व करने अच्छा नज़र आना चाहिए। एक आदमी के लिए 4 से 5 इसके पीसीस ये काफ़ी हैं। अब इसको गार्निश करना, मैंने थोड़ा सा आपने कटा हुआ पूरचूर दाड़ना उत्ते ला देना है। अब दूसरा जो बचा है साथ सर्व करने के लिए, क्योंकि बुफर सिस्टम चलता है 4 से 5 आदमियों के लिए, लेकिन ये आधा किलो है, ये 3 आदमियों के लिए काफ़ी है। इन्होंने ये सर्व करने का साथ और खुशबू के लिए हमेशा कहता हूँ पेपर मॉल से, ये काली 3-4 किस्म के पेपर होती हैं, ये खीरे का सलाद है, इसमें गाजर है, टमाटर और प्याज, जिसको मैंने ओलिव ऑयल और थोड़ा सा सिरका और लेमन लगाया, काली ये पेपर है और नमक है। तो ये थी खवातीन हज़रात आज की हमारी काविश। ये बटर चिकन है, खूबसूरत है, देखने में अच्छा भी है, बनाना भी इजी है। अगर मेरी रेसिपी पे बनाएंगे तो बहुत इजी बन जाएगा। आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, नॉर्मल यहाँ पे उन्होंने लिखा होता है कि नान भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे हमारे लोग, यहाँ पे जो बेल्जियम के लोग हैं, वो चावल पसंद करते हैं, बॉयल बिल्कुल सादा। जी बहनों और भाइयों, उम्मीद है कि मेरी ये काविश आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल समूथ रेसिपी को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, ये नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल ना करें, आपका तावन मुझे हौसला देता है। और मज़े मज़े के लाइट अंदाज में बनाता हूँ, आप अपने घर में बना सकते हैं, इसमें कोई राकेट साइंस नहीं है। भाजी जिदा मर्जी बनाओ, मज़ेदार होना चाहिए। और दूसरा याद रखें कि सफाई निसफ ईमान है। अब मेरी हर चीज़ में सफाई देखेंगे, कैसे पेश करना है वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। और बर्तन आपके अच्छे होने चाहिए, आपके सामने खूबसूरत लग रहे हैं, धुआं निकल रहा है, गर्म गर्म है, और ये 5 मिनट का काम है, ज़्यादा नहीं है। आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं अच्छे तरीके से, बड़े पैमाने पे बना सकते हैं, वो भी पूछ सकते हैं कैसे भी। तो चलें नाज़रीन, बेलियो, फिर अगली बारी मिलेंगे। खुदा हाफिज़।